हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हाइलेक्स सीरीज़। हमने चला रखी थी मॉडिफिकेशन की, जिसमें हम आपको हाइलेक्स का मॉडिफिकेशन दिखा रहे थे। पहला हमने आपको दिखाया था कि आप हाइलेक्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप गाड़ी के ऊपर टेंट लगा सकते हैं, अंदर यूटिलिटी एरिया क्रिएट कर सकते हैं, ट्रेस कार के अंदर क्रिएट हो जाती हैं और आपका जो सामान की जगह है वो भी आपकी एज इट इज़ रहेगी। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चले जाइए उस वीडियो पे, अदरवाइज़ इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी मिस करने वाला वीडियो नहीं है। आज हम आपके लिए एक अलग ऑप्शन लेके आए हैं। अगर सपोज़ आपको टेंट्स वगैरह नहीं चाहिए, तो जो आपका बैक साइड में यूटिलिटी एरिया है, जो आपके पास बहुत सारी लॉजिस्टिक के लिए जगह है, उस चीज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को आप ओपन आती है ये गाड़ी तो ओपन में इतना अट्रैक्शन कई लोगों को देती है, कई लोगों को बहुत अजीब लगती है। जैसे मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, मुझे क्लोज कार ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वहाँ पर जो मेरे जैसे लोग हैं या काफ़ी सारे लोगों की इंटरेस्ट होता है कि कार हमारी क्लोज हो जाए, तो उसको क्लोज किया गया है। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं। सिर्फ ये नहीं कि गाड़ी को बंद कर दिया है, नहीं, गाड़ी हमारी क्लोज भी है, गाड़ी के अंदर टायर्स भी चेंज है, गाड़ी को लिफ्ट भी किया गया, बहुत सारे खर्चे किए गए हैं। क्या क्या खर्चे किए गए हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया है, ये मॉडिफिकेशन कितना प्रैक्टिकल है, कितना यूज़लेस है, बात करेंगे हम लोग उस पर। और उसके लिए मैं इन्वाइट करती हूँ सुमन को। पहचान लीजिएगा, लास्ट वीडियो में भी सुमन हमारे साथ थे। हाय सुमन। सुमन की एक खासियत है, सुमन जब भी हम उन्हें बुलाते हैं अपने चैनल पे, तो कभी भी ऐसे नहीं आते कि रफ़ आ जाएं। इनके प्रॉपर नोट्स होते हैं जो ये पढ़ते रहते हैं, फिर छुपा देते हैं बीच में, सब कुछ चीज़ें देखते हैं, डिटेल में आपको बताते हैं। प्राइस में भी ज़्यादा कुछ अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं ना, तो दोस्त मेरे हिसाब से कुछ 100-200 रुपये का ही फ़र्क कर सकता है सुमन, नहीं तो इतना एक्यूरेट है अपनी चीज़ों के ऊपर। तो चलिए आज बात करते हैं बिमरा से जो मॉडिफिकेशन हुआ है इस कार में उसके ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार के फ्रंट प्रोफाइल में, जहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। सुमन, वन बाय वन हमें एक्सप्लेन कीजिए आपने क्या क्या किया है। मैम, फर्स्ट ये बम्पर चेंज हुआ है, ये हैमर का बम्पर है, ये कंप्लीट आपका बॉडी कलर में है, ये सेम जो ग्रे कलर की व्हीकल है, ग्रे कलर का बम्पर है। इसके साथ यहाँ पे फोल्डिंग नंबर प्लेट है इसकी, ताकि इसमें आप इन फ्यूचर कुछ कस्टमर विंचेस के साथ लगवाते हैं तो विंच लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, जब विंच ऊपर किया तो नंबर प्लेट ऊपर कर लिया, बाकी ये नीचे कर लिया। ओ वाओ, ये हो गया। ये बड़ा अच्छा है। और इसमें आपकी ये नाइट फोर्स की 20 इंच की LED बार लगी है इसलिए। और फिर इसमें आप जो पहली आपने जो हाइलेक्स अभी कवर की थी उसमें और आगे पोर्शन में आपको अंतर देखेगा, उसमें क्रोम था, यहाँ पे ये ब्लैक हुआ है पूरा। अच्छा, इसमें पे पियानो ब्लैक फिनिश आपने कर दिया है। ये यहाँ पे भी ये ब्लैक पोर्शन लगे हुए हैं और यहाँ पे ब्लैक लगा हुआ है। और इसमें आपका नीचे पूरी अंडर बॉडी लगी हुई है आपकी हैमर की, प्लस ये हुक्स लगे हैं, हैमर के रिकवरी हुक्स है, दोनों तरफ लगे हुए हैं, ताकि इनकेस आपकी व्हीकल फंस जाए या किसी और की, आपके फ्रेंड के जो साथ गए उनके व्हीकल फंस जाए तो रिकवर के लिए आप यूज़ कर सके। पर अगर आपके पास विंच है तो इनको यूज़ करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, विंच से तो ऐसे निकल जाएगी। ये सब तो तुमने हमें बताया, बड़ा अच्छा लगा सुनने में, मज़ा आया हमें। ये नंबर प्लेट ऐसे मूव हो जाएगी, आपने ये लगा दिया, वो लगा दिया। प्राइस बताइए कि कितना कितना पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा, और कोई ऐसी चीज़ है जो हम स्किप कर सकते हैं इसमें, जैसे अगर क्रोम वाला पार्ट आपने जो ब्लैक पियानो किया है क्रोम हटा के, इसमें कितना पैसा लगता है? इसमें तो कम ही लगता होगा। कंफर्म करके बता दूं प्राइस? देखो, वो कंफर्म करके बताएंगे आपको, कुछ भी रफ चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, वेट। और जो एक चीज़ हम सबसे ज़्यादा मिस करते हैं हाइलेक्स में, क्योंकि बहुत ह्यूज डायमेंशन वाला व्हीकल है तो आपको 360 डिग्री कैमरा कवरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई है दिक्कत हमारी। ये भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है, मॉडिफिकेशन का पार्ट है। फ्रंट में आपका लोगो के बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई भी नहीं देगा, इतना स्मार्टली यहाँ पर प्लेस किया गया है, ORVMs के नीचे और आपके बैक साइड पर। और अभी फॉर द टाइमिंग सुमन हमारा बिजी है अपने रेट्स वगैरह को कंफर्म करने के लिए। देखिए, तो चलिए, हमारा सुमन अब रेडी है, सारा उसने अपना होमवर्क कर लिया, बात बात कर लिया, बिल्कुल रेट्स, एग्जैक्ट रेट्स, थोड़ा बहुत बहुत कम ऊपर नीचे होगा, 19-20 भी नहीं, एक दो का बोलना चाहिए, एक दो ऊपर नीचे होगा, ठीक है।
अच्छा सुमन, मैंने पूछा था आपसे कि जो ब्लैक पियानो फिनिश किया है आपने क्रोम को हटा के, और ये जो आपने सेगमेंट इसके अंदर, ये भी आपका ही पार्ट है जो आप लोगों ने किया है, इसमें कितना पैसा लगा है? मैम ये आपका अराउंड 10 से 15 हज़ार के बीच का पूरा होता है। 10 से 15 हज़ार में होता है। ये भी आपका ब्लैक है इसमें। अच्छा ये भी किया है आपने, ओके। और कुछ किया है इससे रिलेटेड? और इसके आपके और हाँ भाई बॉडी किट में दो ही आपके। अच्छा नीचे हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, तो ये लाइट आपने लगाई है? जी ये लाइट कोर्स की लाइट है आपकी, LED है, वाइट LED। ये इसका प्राइस अगर मैं बताता हूँ तो अराउंड आपको ये 35 से 40 के बीच पड़ जाती है। कंप्लीट वाइट होती है, बहुत अच्छा थ्रो होता है इनका। लाइट कोर्स की बिल्कुल ट्रस्टेड ब्रांड है, कोई इशू नहीं आता आपको अगर नाइट में आप इसको यूज़ कर रहे हो तो, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी रहेगी इससे आपकी। ऑल राइट। और ये बम्पर जो है आपका, ये आपका बॉडी कलर में, ये आपका अराउंड में आपको एक एस्टिमेट बता दूँ तो ये 1.10 से 1.20 के बीच आपको अराउंड ये बम्पर मिल जाता है। 1.15 आप इसके बीच जो भी प्राइस ऊपर नीचे होता है। अच्छा ये बम्पर के अंदर ही है या ये? हाँ ये बम्पर का पार्ट है। ये बम्पर का पार्ट है, ओके ऑल राइट। और ये जो तुमने ये अलग से आता है, ये जो साइकिल है। अच्छा साइकिल अलग से लेने पड़ेंगे। साइकिल अलग से होते हैं, ये बम्पर का पार्ट है। ये बम्पर का पार्ट है, ओके। और ये साइकिल कितने के आते हैं फिर? ये साइकिल आप समझ लीजिए ये आपके 4,000 से 8,000 के बीच के आपके ऐसे ही पड़ते हैं। अलग अलग है साइकिल, कुछ 4 टन वाले होते हैं, कुछ 8 टन वाले होते हैं, ऐसे ऐसे साइकिल्स आते हैं। और आपने नीचे भी किया और है इसमें? नीचे ये अंडर बॉडी है आप, ये हुक्स लगे हुए हैं, अंडर बॉडी है। अंडर बॉडी आपका अराउंड 20 से 25 के बीच आपका पूरा बैठता है, ये रहता है आपका। और इसमें आगे लाइट्स के भी हुक्स लगे हुए हैं, तो आप लाइट्स भी इन फ्यूचर कोई एडिशनल लाइट आप यहाँ पे भी लगा सकते हो इनमें, लाइट फोर्स की हो चाहे कोई और ब्रांड की हो, वो भी आप माउंट कर सकते हैं। ये कार आपने लिफ्ट भी करी है? ये 2 इंच लिफ्ट है आपकी, ओके। उसके बारे में भी अभी बात करेंगे आगे जब पीछे सेगमेंट में जाएंगे। ऑल राइट। कैमरा आपने इंस्टॉल किया है? इसमें 360 कैमरा लगा हुआ है। ये अभी कैटलॉग में आइटम नहीं है, इसकी अभी टेस्ट एंड ट्राई चल रही है। जब पूरा टेस्ट एंड ट्राई हम कर लेंगे तो फिर हम कैटलॉग में भी अपडेट कर देंगे। ओके, अभी आपके कैटलॉग में नहीं है ये? अभी कैटलॉग में नहीं है। अगर हमें लगवाना तो लगवा तो दोगे ना? अभी तो नहीं लगवाया क्योंकि अभी हम टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं पूरा, हम सेटिस्फाई। फ्री में लगा के दे दिया है? नहीं नहीं। अच्छा ये तो इन्हीं की गाड़ी है, हमारी खुद की कार में तो ये कुछ भी फ्री में लगा के देखते रहते हैं। ओके, मेरी कार में टेस्ट कर लेते हैं यार, मेरी थार में नहीं है 360 डिग्री। ओके ऑल राइट। BF गुडविल्स के टायर लगे हैं, इनका प्रोफाइल है 285/60R80 विद फ्यूल अलॉयज। इसके अलॉयज बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं, फ्यूल के अलॉयज हैं ये। इसका क्या प्राइस है? मैंने फ्यूल का अलॉयज आपका अराउंड 1 लाख आपको पड़ेंगे। हमारा गैस सही है? सही गैस किया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टच करेगा 1 लाख। चलिए अब आइए थोड़ा सा पीछे, ये आपने हैमर के स्टेप पैडल, साइड स्टेप है, ये प्रॉपर फंक्शनल है, आप कितना भी हैवी यूज कर लीजिए इनको कोई टेंशन नहीं है इसमें। आपने 2 इंच गाड़ी को लिफ्ट भी कर रखा है तो बहुत ज्यादा इसमें रिक्वायरमेंट लग रही है इसकी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। 2 इंच लिफ्ट किट लगी हुई है। अच्छा ये कैसे आपने क्या किया उसके लिए? ये आप देखेंगे ये यहाँ पे लगे हुए हैं और सेम पीछे भी हैं। ये जो दिख रहा है मैम, ये आपका 2 इंच लिफ्ट है, जैसे आपने पिछली जो अभी हाइलक्स कवर की थी उससे और इसमें आपको हाइट में बड़ा डिफरेंस लगा होगा। बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये लिफ्ट के ही कारण है। इसको 2 इंच हमने लिफ्ट किया ऊपर ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल से होती है, उससे क्या होता है इससे आपकी तो हमेशा सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन बिम्बरा का लिफ्ट के ऊपर ही होता है। तुम्हारी थार भी आई थिंक लिफ्टेड है? नहीं थार वो तो अलॉयज की वजह से हो गई है, टायर्स की वजह से हो गई है, अभी इस काम नहीं किया हमने लिफ्ट का। अच्छा इसमें कितना पैसा लगता है? आपको 1.25 से 1.30 के बीच पड़ता है, कोई एडिशनल किसी भी काम में कोई एडिशनल फिटिंग चार्ज नहीं है। अच्छा ये मुझे एक चीज़ बताना, जैसे हम कार को जैसे लिफ्ट कराते हैं तो जो जैसे ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी है ये, तो उस पर कुछ होता है फ़र्क पड़ता है? कुछ सस्पेंशन वगैरह कुछ डिस्टर्ब होता है? इसमें जितने भी आइटम्स लगे हुए हैं हाइलक्स में वो सारे टेस्ट एंड ट्राई हैं, इसीलिए पहले बिम्बरा खुद पहले व्हीकल बिम्बरा की व्हीकल है ये, इसमें सारे प्रोडक्ट पहले लगे हैं, देखे हैं, टेस्ट ड्राइव हुए हैं आराम से, उसमें R&D हुई है, टाइम दिया है हमने। उसके बाद जब पूरी हम सेटिस्फाई हुए हैं कि हाँ इसको हम कस्टमर पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तब जाके वो कस्टमर की व्हीकल्स पे लगते हैं। राइट। आपकी थार भी मैंने कवर की थी जी, उसके भी अंदर भी जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था, बहुत लोगों ने वो मॉडिफिकेशन कराया है, और तुम्हारी पर्टिकुलर थार मैंने कवर की है। अगर आपने वो वीडियो स्किप किया तो उसका लिंक भी यहाँ पर है, जाके देखिए। अगर थार में मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेवल का मॉडिफिकेशन दिखाई देगा वहाँ पर। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, वो है इसका बैक, और बैक प्रोफाइल में बहुत सारे चेंजेस हैं। एक तो तुमने ये लगाया है,
बम्पर चेंज है इसका। वो बम्पर का तो आगे और पीछे का एक ही पार्ट होता होगा या अलग अलग है? अलग अलग पार्ट आते हैं, अलग अलग पार्ट। यार थोड़ा तो यार कुछ तो मिला दे, कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया करो कि फ्रंट में बम्पर चेंज करो तो बैक वाला कॉम्प्लीमेंट्री। कुछ कस्टमर होते हैं सिर्फ फ्रंट फ्रंट ही मॉडिफिकेशन कराते हैं, बैक साइड वो स्टॉक रखते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं दोनों साइड मॉडिफिकेशन कराते हैं। ओके चलो जी, ये रहा हमारा बम्पर और ये रहा इनका वो, इसे क्या कहते हैं? टोहुक। टोहुक भाई साहब पूरा लोहा ही लोहा है, ज़बरदस्त। मतलब इतनी मजबूत गाड़ी है कि कहने की हद नहीं है। ओके वाओ। और ये पूरा इंसुलेशन के साथ है ना? ये कंप्लीट लॉकेबल है आपका, इसमें कुछ भी आप सामान रख रहे हैं बंद हो गया तो आपका एक अलग... इसमें सीट्स भी लग जाएंगी, इसमें सोफा वगैरह कुछ लग जाएगा, बेड टाइप बन जाएगा। यहाँ पे आगे स्क्रीन लगा के यहाँ पे दो सीट्स लगा सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा कुछ, है ना? ये बता देना तरन को कि हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ कर दो तरन, धमाकेदार। बट मुझे लग रहा है फिर यहाँ पे वो कम है ना, नॉर्मल बेड टाइप भी बना के। वो तो फिर तुम सब कुछ करोगे ना, तुम तो गाड़ी खोल देते हो। वो एक मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ नॉर्मल सोफे लगा के और आगे स्क्रीन लगा सकते हैं, दैट कैन बी वन ऑप्शन। अदरवाइज आप अगर ट्रिप पर हैं तो अंदर हम अपना पूरा गद्दा वद्दा लगा के लेटते हुए जा सकते हैं। इसमें एसी का वो है? नहीं मैम इसमें नहीं, अभी नहीं है इसमें ना। ले सकते हैं हम इसमें एसी वाला कंट्रोल, कर सकते हैं इसमें। अच्छा वारंटी वगैरह कितनी हैम्पर होती है इन चीज़ों से, या आपका वारंटी में है प्रोडक्ट? मैम ऐसा रहता नहीं कि कोई भी चीज़ में कुछ बॉड आपका कुछ अल्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे ये कैनोपी आप कल को उतरवाना, आपने ऐड ऑन किया है, आपने एग्जिस्टिंग चीज को चेंज नहीं किया है? कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, कोई भी जैसे पार्ट निकाल के कोई नया पार्ट उस जगह लगा दिया ऐसा कुछ नहीं है। ओके लाइट्स वगैरह तुमने कोई नहीं छेड़े? जैसे बम्पर है, अब कल को कस्टमर इसमें ओरिजिनल बम्पर लगाना चाहे ये बम्पर निकाल के दोबारा लगा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके इसमें बहुत स्वीट से छोटी छोटी विंडोज भी हैं? दो विंडोज है, दो विंडो। बहुत ज्यादा मतलब लिमोजिन लग रही है गाड़ी इससे, लगती है थोड़ी सी, है ना? वो ऐसा लुक आ रहा है इतना ज़्यादा, एकदम ह्यूज डायमेंशन, इतनी लेंदी लग रही है, वाओ अमेजिंग। अच्छा पीछे बम्पर में मैंने कुछ लाइट्स वगैरह देखी थी, हाँ ये बम्पर का पार्ट है या फिर ये एड ऑन में है? बम्पर का पार्ट है, बम्पर का पार्ट है। हमने पीछे आपका बैक कैमरा नहीं दिखाई दे रहा मुझे, कहाँ है? ओके यार बड़ा छुपा छुपा के लगाते हो तुम इसमें 360 वाला लगाया ना? या तो ये टोयोटा के लोगों के अंदर लगा देते हैं या उन्हीं के डोर के हैंडल के साथ लगा देते ताकि आपको कुछ दिखे ही ना इनकी चीज़ों में। और ORVM के नीचे वाले ही है ना? हाँ ये नीचे लगे हुए हैं, ये आपको दिख जाएंगे, ये दोनों तरफ ये विजिबल है, राइट। ये देखिए ये इसमें बैक कैमरा हो गया हमारा, 360 डिग्री पार्किंग कवरेज है, तो जितना ह्यूज साइज का ये व्हीकल है आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जैसे ही आप इसमें इंडिकेटर देंगे, सपोज मैंने राइट का दिया तो आपको राइट साइड का क्लियर कट व्यू आ जाएगा, आप लेफ्ट का देंगे तो आपको लेफ्ट का पूरा व्यू दिखाई देगा। और अगर थोड़ा सा आपको गाड़ी में घूमने का मन कर रहा है तो आपको, यार लिफ्टेड है कार तो थोड़ा सा हैवीनेस श्योरली फील होगा, नहीं यार ज़बरदस्त फील होगा, मज़ा आएगा आपको गाड़ी को चलाने में। अरे ज़बरदस्त फील है यार, ऐसी हाईलेक्स चलानी है। हाईलेक्स लीजिए तो ये चेंजेस कराइए एंड यू विल श्योरली लव इट। कार के अंदर जितने चेंजेस हैं, 2 इंच कार को लिफ्ट किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन है, आपको ड्राइव करके ना सीरियसली मज़ा आएगा। जैसे हमारी नॉर्मल हाइलेक्स चलती है वैसी ही चलेगी, थोड़ा आपको फ़र्क फील होगा डेफिनेटली, गाड़ी थोड़ी हैवी फील होगी आपको। तो चलिए दोस्त ये था हमारा हाइलेक्स का बहुत सुपर इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। देखिए इस कार का कंपैरिजन ना हम लोग हमेशा आई सुजू के साथ करते हैं, वो गाड़ी काफ़ी मस्कुलर काफ़ी अग्रेसिव लगती है, हाइलेक्स ना काफ़ी शरीफ सी कार लगती है, थोड़ी सी डिसेंट साइड पे चली जाती है ये गाड़ी, लेकिन इस कार की वो शराफत ख़त्म कर दी है बिम्ब्रा ने। तो होपफुली आपको ये वाला इसका माचो लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय।